उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में चलती कार में पूरे परिवार को जान से मारने की कोशिश की गई। कार में सभी का गला घोंटा गया। पति किसी तरह इनके चंगुल से छूट गया, जबकि बच्चे और पत्नी कार में ही रह गए, जिन्हें आगे जाकर चलती कार से नीचे फेंक दिया गया और महिला का गला घोंटकर उसकी हत्या कर शव को जरिया थाना क्षेत्र के राठुरई मार्ग के किनारे फेंक दिया। इस घटना के बाद रविवार को सारा दिन पति अपनी पत्नी और बच्चों की तलाश करता रहा, मगर पुलिस को सूचना नहीं दी। देर रात थाना जरिया में पति ने पत्नी और बच्चों के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने जब खोजबीन शुरू की तो महिला का शव गोहान कस्बे में झाड़ियों में बरामद हो गया, जबकि दोनों बच्चे सही सलामत मिल गए। कानपुर के थाना चौबेपुर के मदारीपुरवा निवासी 40 वर्षीय सूरज यादव कानपुर की जूता फैक्ट्री में काम करता है। सूरज गुजनी बर्रा में किराए के मकान में रहता है। सूरज के अनुसार पड़ोस में रहने वाले त्रिभुवन से उसका मेलजोल था। इन सभी लोगों ने चित्रकूट दर्शन की तैयारी की और रास्ते में त्रिभुवन ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रच डाली, जिसमें पति और दो बच्चे बच गए हैं, लेकिन पत्नी को गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर डॉक्टर दीक्षा शर्मा के निर्देश के बाद जरिया थाने में सभी आरोपियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया और 4 टीमें का गठन कर सभी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मेरा नाम वीर सिंह है। ये लोग चित्रकूट जा रहे थे, भैया लोग भाभी को मार के फेंक दिया है। और अपराधी कोई भी मिला नहीं, अभी ना मालूम हुआ है कौन है क्या है। और भैया और भतीजा मेरा मिल गया थाने में। तो क्या कारण रहा इस घटने, जो घटना की गई है कारित, क्या कोई दुश्मनी कोई रंजिश है, क्यों हुई घटना की? कोई दुश्मनी नहीं थी, ना कोई मालूम था कौन है क्या है। ये कोई वहीं कमरे पे उनके जो किराए पे रहते थे वहीं वो भी रहता था, कभी आया कभी नहीं आया, किराया देता था। कौन थे वो? वो भैया बताते हैं, कोई चाचा करके बोलते थे ये लोग, कोई ठेकेदार था, रोड का ठेका लेता था, मकान वकान बनवाने का ठेका लेता इनके साथ में चित्रकूट जा रहे थे? हाँ, उनके साथ जा रहे थे। उनके साथ एक बार और जा चुके हैं बोलेरो गाड़ी से। कहाँ जा रहे थे? चित्रकूट जा रहे थे दर्शन के लिए। जी, कब निकले थे ये? परसों साहब निकले हैं। घटना कब की है ये? कल साहब हम लोगों को मालूम चली है। कल कितने बजे मालूम चली है हमको? साहब मालूम चली है वही 3:30 बजे लगभग फ़ोन आया औरैया से कि ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी भतीजी है। तो हमने कहा जी सर, ये मेरी भतीजी है। तो उन्होंने कहा ये औरैया मिली हमें, आप औरैया आ जाएं, अपनी भतीजी ले आके। तब हम लोग जब पहुँचे तो वहाँ मालूम चला है कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तब हम लोग अब यहाँ जरिया थाने आए हैं। अब अभी भाभी को नहीं दिखाया गया है हमें। मेरा नाम कल थाना जरिया पर वादी सूरज सिंह निवासी कानपुर द्वारा आकर यह बताया गया कि वह कानपुर से अपनी पत्नी, अपने दोनों बच्चे और एक पड़ोसी और एक पड़ोसी का मित्र के साथ गाड़ी बुक करके कानपुर से चित्रकूट जा रहा था। रास्ते में जौलपुर मोड़ पर एक व्यक्ति जो कि ड्राइवर का रिश्तेदार बताया, वो भी गाड़ी में बिठाया गया था। फिर जब यह लोग हमीरपुर में थाना जरिया क्षेत्र में पहुंचे थे तो वादी का गला दबाने का प्रयास किया गया, जिससे वह बचकर कूदकर गाड़ी से बाहर उतर गया था। और इसके बेटे को भी, वादी के बेटे को भी वह लोग थाना जरिया क्षेत्र में छोड़ गए थे। तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर टीम्स एक्टिवेट कर दी गई थी। वादी की बच्ची को भी जनपद जालौन से सकुशल बरामद कर लिया गया है। इस घटना में जो ड्राइवर इन्वॉल्व था उसको भी पुलिस से हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि वादी की पत्नी को थाना जरिया क्षेत्र में ही गला दबा कर मार दिया गया था और उसके शव को भी जंगलों में फेंक दिया गया था। ड्राइवर की निशानदेही पर महिला का शव बरामद कर लिया गया है और उसको पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम कराने के लिए मोर्चरी में भिजवा दिया गया है। अन्य जो भी नामजद अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम्स लगा दी गई हैं। जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर आगे की बताने कार्रवाई की।